मैं आया था ऐसे लोकेशन से, इतने बड़े बड़े पत्थरों से हम लोग को आगे की ओर जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ लोकेशन है, कैंपिंग लोकेशन। What's up guys, this is Metal and welcome to my new video. फाइनली अब कहाँ से आपको मुड़ना है चिंगरा पगार वाटरफॉल के लिए, मैं तो आपको दिखा देता हूँ। हमारे पीछे आप बोर्ड में देख ही रहे हैं चिंगरा पगार जलप्रपात, तो आगे जी गरियाबंद के लिए जा रही है और हम लोग आए थे इस वाली रूट से, ये जो कि राजीव वाली रूट है। तो यहीं से आपको आएंगे रास्ते में और एक माता जी का मंदिर मिलेगा, वो माता जी के मंदिर से ज़्यादा 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा चिंगरा पगार जलप्रपात। तो ये सीधा रोड आपकी जाती है गरियाबंद के लिए, तो हमको यहीं से लेफ्ट मुड़ लेना है चिंगरा पगार जलप्रपात चिंगरा वाटरफॉल के लिए। और तो आ रहे हैं वापस घूम जा रहे हैं। पानी है भैया? नहीं है, है। फाइनली पहुंच चुका हूं चिंगरा पगार के लोकेशन में और यहां पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है। अब यहां से हम लोग को जाना पड़ेगा पैदल, जबकि हम लोग वाटरफॉल के 500 मीटर पहले गाड़ी खड़ी करते थे, पर यहां पे हमको जाने नहीं दिया जा रहा। यहां से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ये देखिए यहां पे हमने गाड़ी अपनी पार्किंग लगा दी है, यहां पे पर्ची कटवा लिया है। यहां पे पर्ची में कोई नंबरिंग नहीं है, मतलब कोई सीरियल नंबर नहीं है, बस पर्ची काट रहे हैं। क्या मालूम अब कौन है भाई, पता नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं लग रहा मेरे को। आप लोग को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये चीज़ें को यदि सही है तो कमेंट कीजिए, गलत है तो भी उसको भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कुछ प्यारा सा यहाँ का नज़ारा है, चलते रहते हैं जल्दी से। और यहाँ से 300 मीटर की दूरी में है आपका झरना। मैं आ चुका हूँ और यहाँ से वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है गिरने की। पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, पहले यहाँ तक गाड़ियाँ पूरा हम लोग लेके आते थे, अब यहाँ पर गाड़ियाँ लेके नहीं आने दिया जाता। यहाँ पे कैंपिंग लोकेशन भी बनाया जा रहा है, जो कि ये लोकेशन जाता है कैंपिंग के लिए। आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल वाले जो लोग होते हैं वही सब करवा रहे हैं, उधर बन भी रहा है। तो हम सोच रहे हैं आपको चलो कैंपिंग लोकेशन भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। फाइनली मैं पहुंच चुका है कैंपिंग लोकेशन में, जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे तो ये कैंपिंग लोकेशन है, और यहाँ पे जैसे कैंपिंग लोकेशन पूरा ही चालू हो जाएगा, चिंगरा पगार वाटरफॉल के पास ही है ये, तो हम आपको एक बार यहाँ का ब्लॉग फिर से बना के दिखा देंगे। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा यहाँ का। ऐसा कुछ लोकेशन है कैंपिंग लोकेशन, जो कि अभी काम चल रहा है, पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, और 15 से 20 दिन में पूरा ही कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पर कैंपिंग लोकेशन चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ के हमको चार्जेस पता नहीं है, जैसे हम लोग सेकेंड टाइम आएंगे तो यहाँ के पूरे आपको चार्जेस वोर्जेस बता देंगे। ये देखिए घर बनाया जा रहा है, कैंटीन वनटीन टाइम का कुछ बनाया जा रही है। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल की ओर। हम लोग आए थे इस वाले लोकेशन से, पहले गए थे कैंपिंग लोकेशन में, अब जा रहे हैं वाटरफॉल के लोकेशन में, वाटरफॉल के लोकेशन में। और कुछ इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, इस पत्थरों के बीच से हम लोग को निकल आगे की ओर जाना है। और पानी का लेवल देखा जाए तो अब वहाँ पहुँच के पता चलेगा पानी का लेवल, और ऐसे तो चलते हैं फिलहाल हम। तो ऐसे कुछ लोकेशन से होते हुए हमको आगे की ओर चलते जा रहे हैं। अब वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं, देखते हैं कितने लोग हैं वहाँ पे वाटरफॉल में और कितना पानी है। पानी तो मेरे को दूर से दिख रहा है बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी पब्लिक भी आवाज़ आ भी रही है यहाँ पे। आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों से हम लोग को आगे की ओर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे है ये देखिए बटरफ्लाई तितली, एक से एक तितली यहाँ पे, ये देखिए बटरफ्लाई। तो चलिए चलते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोल्डर से होते हुए। देखिए वाटरफॉल का पानी आ रहा है और इतने बड़े बड़े पत्थर, पानी देखिए कितना साफ एकदम क्लियर पानी है। मैं आया था ऐसे लोकेशन से, बड़े बड़े पत्थरों से, और धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। और ये देखिए बहुत सारे लोग नहा नहा के वापस जा रहे हैं। तो चलिए आगे आओ चलते हैं। एक नंबर देख रहे हैं,
क्या सुंदर सा वाटरफॉल है सिंगरा पगारा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कपल सिंगल सब हैं। ये देखिए भाई, एक नंबर। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और घूमने फिरने जाओ यार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।